हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीज किचन। रक्षाबंधन आने वाला है और हमारे घरों में घी पर जरूर आता है मार्केट से, तो आइए आज मिलकर इसे घर पर बनाते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप भी बहुत ही बढ़िया घी पर घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये बनता है, तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने डाल दी 1 कप चीनी और इसी में हम डाल देंगे 1 कप पानी और 1 लीटर मैंने यहाँ पर ये दूध लिया है गर्म कर, इसको हम रबड़ी बनाएंगे। तो जैसे ही चाशनी में ना बॉईल आने लगेगा इसमें डाल देंगे हम ये इलायची पाउडर और कुछ धागे केसर के भी इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे और दूध भी हमारा साथ में पक रहा है रबड़ी बनने के लिए। ऐसे चलाते जाएंगे इसको और इसको दूध को भी हम बीच बीच में चेक कर लेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। तो इसके लिए हमें चाशनी ना बहुत या एक तार या दो तार की नहीं बनानी होती है, बस जो चाशनी ना हमारी हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है, मैंने गैस बंद कर दिया और रबड़ी हमारी बन रही है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालेंगे हम 4 चम्मच ये देसी घी, आप 1/4 कप के करीब देसी घी ले लें यहाँ पर, और इसमें 4 से 5 हम डाल देंगे आइस क्यूब और इसको ऐसे ही चला देंगे और बीच बीच में ऐसे, तो हम इसको ना मिक्सी को पल्स मोड पे चलाना है तो ये जो घी है ना वो हमारा जमने लगता है। तो इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और हमारा जो घी है ना वो जमने लगा है, तो इसमें 2 चम्मच हम मैदा डाल देंगे और एक बार फिर से ऐसे ही चलाएंगे। तो ये प्रोसेस हमें करीब 8 से 10 बार करना है, 2-2 चम्मच हम बीच बीच में मैदा डालते जाएंगे। देखिए इस फॉर्म में ये हमारा मिक्सर आ जाता है। फिर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे हम, बिल्कुल चिल्ड पानी हमें इसमें डालना है और फिर से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारा प्रोसेस मैंने कर लिया है। फिर इसमें मैंने 1/2 कप ये मिल्क डाल दिया है और मिल्क डालकर भी हम इसको एक बार अच्छे से इस तरीके से चला देंगे मिक्सी को। हमारे बैटर बनकर तैयार हो गया, इसमें डाल देते हैं हम ये 1/4 कप के करीब ये बेसन और फिर से हम चिल्ड पानी इसमें डाल देंगे और इसको एक बार फिर से चला लेंगे मिक्सी को। तो हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इसकी जो ये कंसिस्टेंसी है ना, वो चमचे पे आपने देखा कोटिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो इसमें अब हमने डाल दिया रबड़ी में ये चीनी और इलायची पाउडर। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक पैन में मैंने लिया था ये तेल और आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं घेवर को। तो बस थोड़ा थोड़ा कर कर हमें ये बैटर डालते जाना है और बैटर ना हमें ऊँचे थोड़ा हाथ ऊपर कर कर डालना है और ये हमें इसकी गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है। तो तेज आंच में ही ये घेवर बनता है। तो बीच में से हम ऐसे इसको थोड़ा ऐसे होल बना देते हैं और जहाँ पर ये घेवर नहीं सिका है ऊपर से हम ये तेल डाल देंगे। तो आप तेल या घी किसी में भी इस घेवर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से ये निकल गया है। अगर आपका घेवर ये आसानी से नहीं निकलता है तो साइड से आप चाकू से थोड़ा इसको निकाल दें और फिर ये आसानी से निकल जाएगा। इसको रख देंगे। अभी हम यहाँ पर ये जो मिनी घेवर होते हैं ना वो बना रहे हैं। तो ये मैंने रिंग रख दी है कढ़ाई में और गैस की फ्लेम हमेशा हमारी हाई पर ही होनी चाहिए। तो बस ये थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे तो ये हमारे मिनी घेवर भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर आपको मिनी घेवर बनाने हैं तो इस तरीके से रिंग लगा करना, सेम प्रोसेस है, बस ऊपर से हमें बैटर डालना है और इसको हाई फ्लेम पर ही हमें सेकना है। तो ये मिनी घेवर भी मैंने बना लिए हैं और ये हमारा थोड़ा बड़ा साइज़ का घेवर है। तो आप चाय का पैन हम सभी के घरों में होता है तो आप उसमें आसानी से घर बना सकते हैं। तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी चाशनी डाल दी है और ये मैंने डाल दी है रबड़ी जो हमने बनाकर रखी थी। ऊपर से डाल देते हैं थोड़े से हमें पिस्ता। तो है ना कितना आसान घेवर को बनाना, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये घेवर बनता है। आप एक बार ये घर वाला घेवर बनाकर खाएंगे ना तो आप मार्केट से लाना बंद कर देंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें हमारी इस रेसिपी को। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।